नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं जीएमसी में हूं और जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि वो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो पुलिस की बेबसी जो है वो भी देखने को मिल रही है कि एक व्यक्ति रात का फायदा, अंधेरे का फायदा उठाकर एक फैमिली को जिंदा जला देता है और वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। द्रावता गांव का ये मामला है और किस हद तक वो इंसान गिर चुका था, उसकी हैवानियत देखिए और बेखौफियत उसकी देखिए कि वो, उसे डर ही नहीं था किसी चीज का। आता है, पेट्रोल छिड़कता है और उस घर के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उनको जिंदा जला देता है। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे, आसपास जो पड़ोसी थे, उन्होंने तुरंत उन लोगों को बचाने की कोशिश की, उनका इलाज चल रहा है। यकीन मानिए, मैं उन दो बच्चों को देखकर आया हूँ, आप उनकी हालत देखिएगा, मुंह सूजा हुआ बच्चों, आप देख, मतलब सोचिए कि किस तरह से उसकी इंसानियत मर गई थी। एक मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया, उन बच्चों के माता पिता को जिंदा जला दिया, इलाज चल रहा है। हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, आग बुझाने की कोशिश की, सबके सब जो हैं सहमे हुए हैं, लेकिन वो दरिंदा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर महमूद अहमद है। मेरे को बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी, इसके बच्चों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वो शख्स आया रात को, बच्चों को जिंदा जला गया, लेकिन अभी बच्चों को मेरे को देखने की हिम्मत नहीं है। मैंने सोचा इस आदमी को जिसने ऐसा कांड किया उसको तो मेरे को मिल जाए, मैं चुराए में खड़ा करके उसको जिंदा जला दूंगा, पामे मुझे जेल हो जाए, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा जेब विचार है, अगर मेरे को मिल जाएगा ना कहा, मैं ढूंढ निकालूंगा उसको, पामे जमीन के पड़ताल में होगा, और उसको मैं चुराए में जिंदा जलाऊंगा, अपने ऑटो के साथ बांध के पीछे जलाऊंगा, तो हमें जो कुछ मर्जी हो जाए। लेकिन मेरे को क्या था इनका, क्या ऐसा हो गया था कि मतलब इनको इसका शिकार होना पड़ा? ऐसे जनाब, वो पता नहीं कब का इनके पीछे पड़ा था, धमका था ऐसा, इनको क्या प्लान में क्या, मेरे घर में आए, मेरे से बच्चों ने बोला अंकल हम रहना चाहते हैं, पहले भी रहते थे हमारे गांव में, बोलते रहे बच्चे इनके, अंकल तो हम रहेंगे तुम्हारे पास, खुश रहेंगे। उसका जो बच्चों का बाप है उसका, वो बोलता ड्राइवरी करता है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर है बेचारा, उसका घर बार कोई नहीं है, उसकी छोटे होते माँ गुजर गई है, अभी उसका बाप भी है, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं अंदाजा किस टाइम किसी पर गरीबी आ सकती है, उस ओला मालिक को जान हर एक ने देनी है, लेकिन इस बच्चों को इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट अगे और पुलिस अगे, और जब भी वो शख्स मिले उसको जिंदा नहीं रहने का हक है इस दुनिया। उसमें ये दसो जिले तुस उत्थे पुजे किन्ने बजे की गल है? ये साहब कोई 3 बजे की गल है जनाब, राती 3 बजे की गल है, जिसलिए आए चल चांदे, इसका बाप आया कहता मेरे बच्चे, मैं दौड़ता गया, वो इतनी इतनी ऊंची आग जल रही थी, जो मेरे पास बेहे रहते उन्होंने उठा के बच्चे बाहर ले गए और हम भी ले गए, उसी टाइम बैन में लोड किए, बच्चे हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन हमने देखा जो इनके पिताजी और माताजी वो भी जले, हाँ वो भी जले हुए सर। आपके पास कौन आया था? मेरे पास इसका पिता दौड़ता आया था और छोटा बच्चा लड़का दौड़ता आया था, उसने उस टाइम जला हुआ था, ये जिनको वो दौड़ कर, हाँ दौड़, मेरा बगल में घर है, साथ में कोई कम से कम के 400 फुट के फैसले में जहाँ रहते हैं वहां में माल मेच भी बांधा, सभी बांधा, वो चार घर और भैया के रह रहे ना, वो भी भैया बेचारे आए रो रहे ना, वे हमारे को मिल जाता हम उसको जिंदा नहीं छोड़ते। आज जो भी उनकी भी पूरी फैमिली भी की रो रही है, उनको बच्चों का बहुत ये कमरा आपने दिया था? हाँ हमने दिया था उनको रहने के लिए, रहो, और हमने राशन पानी भी देते थे कभी कभी भैया बच्चों को, खाओ पियो बेटे, हमने आज से सोचे थे जैसे हमारे अपने बच्चे। हाँ मेरी आपसे जब बात हो रही थी आप कह रहे थे कि पढ़ाई में भी अच्छे हाँ, थे, पढ़ाई में, स्कूल में, हाँ, स्कूल में मैंने 10,000 रुपया इसके बाप को दिया, मैंने बोला वर्दी इनकी ला, इनके लिए सभी बुकें वगैरह ला, इनको स्कूल भेज, मतलब वो भी पढ़ने में अच्छे थे, हाँ बच्चे पढ़ने में, हाँ पढ़ने में शौक था, सरकारी स्कूल में पढ़ते, लेकिन शौक था इनको पढ़ने में, दोनों बहन भाई जाते थे स्कूल पढ़ के। कितनी उम्र है बच्चों की? ये लड़का जो 11 साल का है, जो लड़की है वो 9.5 साल की है, हाँ
बहुत लड़की बहुत अच्छी है। किस तरह से उस व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया? दरवाजे खुला था? नहीं, खिड़की के साथ उसने खिड़की का तरताना, उधर ग्रेले लगी हुई है लंबी लंबी, इतनी इतनी बीच में बिरले हैं, उधर पर्दा हटाया, मोम का पर्दा लगाया उसका, तो उसका हटा के अंदर से उसने कोई छिड़का, छिड़कने के बाद सोटी को कपड़ा बांध के उस पर भी तेल छिड़का। वो पूरा मन बनाकर आया, मन बनाकर आया, एक आदमी का काम नहीं, कम से कम भी दो आदमी का काम मेरे को लगता था। वो लड़का लोकल है, वहीं के रहने वाला, नाम उसका लक्की बताया जा रहा है। लक्की नाम है, वो सही नाम क्या है उसका? लक्की बोलते, सही नाम है उसका, लक्की बोलते, पुराना पिंड में रहता है, कौम का होता है, बटवाल होता है, पुराना पिंड में रहता है। पुलिस ने उसका माँ बाप उठा के बैठाया हुआ है, उसका भाई भी बैठाया हुआ है, वो भी पुलिस भी अपने तहकीकात पूरी कर रही है। जब वो बेचारा साहब इंस्पेक्टर SI आता है, वो भी जब बच्चों की हालत देखता उधर से, वो भी गमगीन हो जाता है, मेरे मिल जाएगा, मैं अभी उसको सब खसका दिखा दो, अभी तो हमारे को मिल जाएगा ना, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर पुलिस की रियासत के बाहर मिल गया ना, हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे यार दोस्त लड़के भी बोलते, मेरे गांव वाले भी बोलते, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये पहले भी आता था वहां पर? पहले एक दफा आया था, सिलेंडर की पैप काट के चला गया, उस टाइम बच्चे घर में नहीं थे। इन्होंने पहले भी इनको मारने की कोशिश की? उस टाइम बच्चे नहीं थे, बच्चे स्कूल से आए, जैसे दरवाजे में घुस के उन्हें देखा पैप की सिलेंडर की काट रहा है, बच्चे फौरन दरवाजे से पीछे भाग के दौड़ते मेरे घर आए, मेरे घर बोलते अंकल अंकल आंटी अंकल कहा अंकल कहा। और मेरा एक बेटा वो 11वीं में पढ़ रहा है, वो दौड़ता आया, तब से भाग गया इतनी देर में। मेरा लड़का। तो इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करवाई कभी? नहीं, फिर कंप्लेंट नहीं कराई, डरते हुए नहीं कराई। इसकी बीबी को मैंने बोला कंप्लेंट, कहती नहीं छोड़ो भैया, क्या कंप्लेंट करानी है, क्या छोड़ो, ये इस गल का गंभीर को आगे बढ़ाना नहीं, यहीं पे दफन करो, क्या पता। मतलब ज्यादा डराता था इनको। कहती भैया छोड़ो कंप्लेंट, मैंने तुम्हें कंप्लेंट इसको हम ढूंढ का, कहती भैया छोड़ो आगे से बताना नहीं मेरे को, बच्चों को कोई खतरा। माता पिता की कैसी हालत है? इनके माता पिता ने बहुत खराब हालत है, उनकी भी गमकीन हालत है, वो भी गमकीन गाल से गाइस है, उनको भी जे बाजू जाल गया, पेट जाल गया इसकी माँ का। मैंने खुद उन बच्चों को देखा है, आप सोचिए कि मासूम छोटे से बच्चे, एक माचिस की तीली हमारी उंगली पे लग जाती है, हम करा उठते, हम दर्द को बर्दाश्त नहीं करते, और ये बच्चे उस धधकती आग में जलते रहे। और जलाने वाला वहां का एक लकी व्यक्ति है, लोकल है, और सोचिए कि किस मतलब पुलिस का उसको डर नहीं होगा। अगर पुलिस का डर खौफ होता तो शायद वो इस वारदात को अंजाम ना देता। क्यों? क्योंकि ऐसी वारदातों को तभी अंजाम दिया जाता है जब किसी का डर ना हो। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि अगर काश इन दोनों ने, यानी कि इन बच्चों के माता पिता ने कंप्लेंट करवाई होती उसके खिलाफ, तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती। आज ये बच्चे जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, उन बच्चों के माता पिता भी वहां पर हैं। कोई मदद के लिए आगे आया सर? अभी कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। वोट मांगने तो सारे आ जाते ना, लेकिन ओके टाइम पर कोई नहीं गरीब की सुनता। ये किसके एरिया में आता है? ये हमारे गारू चौधरी है, कुलियों को रहने वाला है MLA, उसकी चौधरी आता है, हमारे श्याम चौधरी है, उसकी भी आर्सपुरा आता है, और गारू है एक, उसकी भी आता है। आते तरह तरह के MLA आते हैं गांव में, बोलते हैं हम लक्षण रा लेना, हम लान लेना, जे बस दावल चावल खिलाने आते लोगों को, भी थोड़ा थोड़ा खाओ तो बस। लेकिन जब किसी को मुसीबत पड़ती है फिर कोई पूछता नहीं। तो कोई भी नहीं आया अभी तक? अभी तक सर कोई नहीं आया। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो सर मदद कर रहे हैं, जिनकी उनके हाथ में मदद है, डॉक्टर साहब तो कर रहे हैं, वो तो जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। आगे तो ऊपर वाले मालिक की कृपा है, वो भी चलो मदद कर दे, लेकिन आज तक कोई MLA कोई ऐसा आदमी नहीं आया हमारे पास, जो लोग गरीब मरने करने मदद करने के लिए, गरीब बच्चा है, गरीब एक फैमिली है, उसकी मदद करने। ऐसे तो आम आते हैं वोट मांगने, जरा को तो कहते कट्ठे हो जाओ जी गांव में, तुम्हारे को जे देंगे वो देंगे, कौन देगा, कोई आए गरीब की कोई सुनाई। ये करते क्या थे? ये छोटा एक ड्राइवर है, इसका बाप जो बच्चों का बाप है वो ड्राइवर है, किसी का ऑटो रिक्शा चलाता है, वो 8-9 हजार रुपया पे देता है इसको, वो 8-9 हजार में देखो क्या करेगा, घर का काम चलाएगा या किसी चलाएगा। इस टाइम उसके पास बेचारे को बहुत मुश्किल है, उसके पास पैसे। कोई बातचीत हुई? कोई अधिकारी कुछ बता रहे कि हमने पकड़ लिया या अभी पकड़? अभी गई थी पुलिस, साहब इंस्पेक्टर बोलता हम लगे हुए हैं,
तलाश में लगे, उसका माँ बाप बैठाया हुआ है, उसका भाई भी बैठाया हुआ है, बोलते हमने अपनी जान उन्होंने जारी रखी हुई है, हमने भी तलाश में ढूंढ रहे हैं, हमारे को तो मिल गया था, हम तो जिंदा जला देंगे उसको, छोड़ेंगे, दुनिया को पता लग जाएगा अंजाम देने वाले आगे से। कोई भी नेता कोई भी नहीं आया, देखिए इतना बड़ा शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया गांव में, मतलब सोचिए कि जिंदा जलाने वाला ये ऐसा मामला, यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली को जिंदा जला दिया जाता है, और हमारी पुलिस तो चलिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस पर भी अगर कोई दबाव बनाना हो तो ये राजनेता ही होते हैं जो दबाव बनाते हैं। लेकिन अफसोस ये है यहाँ पर चुनाव नहीं है, और बेशर्मी देखिए इन सब नेताओं की कि यहाँ पर मिलने कोई नहीं आया। हाँ, कोई बीमार होता, कोई नेता बीमार होता, कोई खुदा ना खासा कुछ और हुआ होता, ये तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं उनकी खैर खबर सुनने के लिए कि आजी बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, कोई हमारी तरफ से मदद होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है ज़रूरत। लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो गई, एक व्यक्ति, एक नेता, ये टोनी भी आप ही के एरिया में आता है? टोनी भी हमारे एरिया में पड़ता है सर, टोनी भी पड़ता है, डीडीसी मेंबर, वो भी नहीं आया, कोई नहीं आया सर। ऐसे जब थोड़ी खोती छेड़ खाती होती है लक्षण की, तो आ जाते हैं गांव में, बोलते ये देंगे वो देंगे कुछ देंगे क्या देंगे, गरीब को कोई नहीं सुनता फरियाद उसकी, कहने की बात सिर्फ मुंह से हलवा बनाती है, लेकिन जो बड़े बड़े आदमी हैं उनकी सुनते हैं फरियाद, छोटे गरीब की कोई नहीं आए फरियाद सुनता। कोई लाज ठीक चल रहे ना, लाज ठीक चल रहा है, कोई इंशाल्लाह लाज जरूर चल रहा, जो हमारी मदद हुई हम भी देंगे, लेकिन जो दरिंदे ने ऐसा काम किया ना उसको तो जिंदा जाया रहने का इस दुनिया में हक नहीं, जो देखेगा उसको भी जलाते हुए आगे से कोई बारगात नहीं ऐसी करेगा, बच्चों पर कोई ऐसा, बच्चों को एक तीली भी नहीं फिर छिड़केगा दोबारा, कोई पहले सोचेगा 10 बार किसी ने ऐसा हादसा किया था उसके साथ कैसा हादसा हुआ। वो करता क्या जिसने ये किया? वो बस नशेबाजी करता है, मैंने खबर निकाली है, वो एक दो लड़के ने बताया, जो मेरे यार दोस्त लड़के, उसके यार दोस्त, उन्होंने बोला वो नशे पत्र बस खाता है और बेचता है। कितनी उम्र होगी उसकी? 30 साल उम्र है, 31 साल का वो है, और जो उसकी पहली बीवी थी उसने छुटकारा करा लिया उससे, उसका तलाकनामा हो गया, उसने किसी दूसरी जगह शादी कर ली, ये बेचारे गरीब थे, उसके लड़के जो पहली शादी वाले उसके बहन भाई तगड़े थे, उन्होंने छुटकारा करा लिया, बेचारा गरीब था अकेला था, इसका बाप जो नलके पंप लगाता है छोटा, ये जो अब जो ये जिनसे अभी हम मिले, हाँ ये दादू है, ने, 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 बच्चों अच्छा। का ये बच्चों का दादू है, ये बेचारा अपना छोटा मोटा काम करता है और अपना पेट गुजर करता है, और क्या करना है, ये भी बेचारा अपना पेट गुजर, आज देखो महंगाई का जमाना है, क्या बनेगा, कितने सालों से कोरोना है, किसी को काम नहीं मिलता है, मजदूर को काम करने के लिए 6-6 महीने बैठे होंगे, क्या खाएंगे। तो ये पहले भी चक्कर लगाता होगा आप बता रहे हो? पहले जब मेरे गांव में रहते थे ना, मेरे गांव में थे पहले, रहे 1 साल, उसके बाद फिर आए 8-9 महीने बाद मेरे गांव में, जब मैं आया तो उधर एक ही दफा आया पैप काटने, दोबारा कोई कब की बात है ये, पैप काटने जब आया उसके टाइम पे 20 दिन बाद हमला किया। अच्छा, हाँ 20 दिन बाद हमला किया, और चुवाले में ये रह रहे थे, उधर इन्होंने अपना किराए पर मकान लिया था, उधर ही रहते, फिर बच्चे आए मेरे पास कहते हैं अंकल उधर हमको खतरा लगता है, उधर कहना जहाँ रहते हैं बुरान जगह है, मकान बुरान है, वहाँ सांप निकलता है, तो आप अंकल ऐसे करना मेरे को, हमारे को एक ही कमरे में रहते थे। हाँ बड़ा कमरा है एक, अच्छा, बा कम से कम 30 फुट लंबाई है कमरे, उसी में रहते हैं 30-25-30 फुट लंबाई है और 12 फुट चढ़ाई है उसकी। हाँ तो जब ये इनको आग लगाई, हाँ, आप जब आए, हाँ, फिर इनको सीधा जीएमसी में लेकर आए? ना ना, उधर हॉस्पिटल में ना, आसपुरा में उन्हें इंजेक्शन जुक्शन लगाए, पट्टियां वगैरह की, फिर उन्हें अम्बल एम्बुलेंस में इधर इनको भर्ती कर भेज दिया। हम फटाफट बैन, मेरे साथ में पड़ोस में लड़का रहता, उन्हें बैन स्टार्ट की गाड़ी, उसमें इनको बैठा के लेके आगे तुरंत उसी टाइम। अभी भी देखो अंदर फूक, सभी गद्दा वगैरह इनका फूक दिया, ऊपर पंखा लगाया, तार सभी फूक गया, जल गया, बुरा हाल हो गया मकान का भी, इतना पता नहीं कितना तेल। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महमूद अहमद है। महमूद जी, आप जिस तरह से मदद करने के इनके लिए आगे आए, हाँ, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि बच्चा किसी का भी, आप भी वहां पर, मैं इनको देख रहा हूँ, उन बच्चों को पानी भी पिला रहे हैं, कोई जरूरत पड़ रही है वहाँ पे, ये पूरे वहाँ पर उनके साथ दे रहे हैं। हाँ, अभी मैं आया इनके लिए घर का काम, मैं भी माल मेशी का काम करता हूँ, मैं भी दिहाड़ी लगाता हूँ, मेरी भी कोई नौकरी पेशा कुछ नहीं है, लेकिन मैं
जो बच्चा किसी का भी हो ना, अपनी जिंदगी से आगे सोचता हूँ, भावे किसी सत्र में दुश्मन का भी होएगा ना, लेकिन बच्चे का ऐसा आगे सोचता हूँ अपनी जिंदगी के, हमारी जिंदगी चले जाए लेकिन बच्चे को नुकसान ना किसी को पहुंचे, मेरी ये गुजारिश है। हाँ, मालिक भी बच्चे पर रहम करता, ऊपर वाला जो बच्चा होता है वो रब का रूप होता है, किसी बच्चे पर ऐसा जुल्म मत कर। मतलब बच्चों से किस तरह की हाँ ये बात है ना, जे तेरी दुश्मनी थी उसकी माँ ठीक है, जे तेरे से कोई दुश्मनी थी, कोई भी दुश्मनी थी, ऐसे तू माँ बाप से ले दुश्मनी, लेकिन बच्चों से नहीं लेनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, है ना, हमारी हमारी ये दिखाने का मकसद यही था, एक तो उस दरिंदे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और दूसरा ये बहुत गरीब परिवार है, वैसे कई मदद के लिए आ जाते हैं आर्थिक मदद करने के लिए, अगर शायद इनका इलाज बाहर हो सकता है तो आप जितना हो सके इस फैमिली की मदद कीजिए, हम अकाउंट नंबर यहाँ पर कोशिश करेंगे लेने के लिए, क्योंकि ये दिहाड़ी लगाने वाला परिवार है, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला परिवार है, और अगर बेहतर इलाज मिले तो ये ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन इतना किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं इनके पास कि ये मदद ये खुद अपने बलबूते पर वहाँ पर जा सकें, आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सोचिए जो एक कमरे में रह रहे हैं वो उनकी हालत माली हालत भी क्या होगी, लेकिन हम किस समाज में जी रहे हैं, क्या हो गया है हम लोगों को कि एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं कि चलिए कि कुछ तो शर्म करो, किस तरह की वारदात को आपने अंजाम दिया, इस दरिंदे ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, और एलजी साहब इतना बड़ा वारदात हो गई, 2 मिनट में आप फटाफट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, आपके आला अधिकारी पहुंच जाते हैं, इस गरीब परिवार की पूछ लीजिए, कम से कम डॉक्टर से पूछिए इनकी तबीयत कैसी है, इनकी हालत कैसी है, एक भी आला अधिकारी नहीं आया, और ये नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए कि चुनाव होते हैं तो 2 मिनट में भाग जाते हैं कि हाँ जी हमें वोट दीजिए, और आज बुधवार गुरुवार शुक्रवार, यानी हम वीरवार की बात करें, शुक्र और आज शनि, सोचिए 3 दिन गुजर गए लेकिन आप लोग मिलने तक नहीं आए, हम लोगों से अपील करेंगे कि बहुत गरीब फैमिली है, जितना हो सके आप मदद कीजिए, अकाउंट नंबर अगर हमें मिलता है तो हम वो अकाउंट नंबर देंगे, नहीं होता तो यहाँ पर आके कुछ मदद कीजिए ताकि इनका इलाज बेहतर हो सके, अगर डॉक्टर कहें कि हाँ जी बाहर भी इनका इलाज हो सकता है तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए, और दूसरा ये है कि उस दरिंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए, जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि हजार बार सोचे कि अगर कोई इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, और फिर वही सवाल इस जम्मू कश्मीर को किसकी नजर लग गई। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।